जो बच्चे हमारे साथ क्वेश्चन नंबर टू इस वक्त देख रहे हैं उनका पहला दिन है, दूसरा दिन है, कंफ्यूज हैं वो, सब लोगों से बड़े अदब से दरखास्त है कि भाई मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ इस चैप्टर में, मैं अकेले अपनी मेहनत से नहीं कर सकता, मैं एफर्ट कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ध्यान से लेक्चर को देखते हैं, सुनते हैं और काम को अपने पास लिख के नोट करते हैं या नहीं। वीडियो की सूरत में सारे लेक्चर पढ़े रहेंगे तो उसको पढ़ाई नहीं कहते, माजरत के साथ, अपने पास लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू में उसने हमें ये तमाम एसेट्स बताए मिसबा लिमिटेड के दिसंबर 31, 2021 पर। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस में उसने हमें क्या बताया, क्रेडिट बैलेंस में उसने हमें बताया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, यानी कंपनी में मालिकान के शेयर, जो मालिक हैं वो 20,000 शेयर हैं आवाम के पास, 10 रुपए वाले शेयर हैं और 2 लाख रुपए के मालिक हैं लोग। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी के बारे में बताया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, यानी मिसबा लिमिटेड अपनी बिल्डिंग को 2,50,000 का लिख के तो बैठी है लेकिन बिल्डिंग 2,50,000 रुपए की नहीं है बल्कि उस पर 75,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है। इसका मतलब है बिल्डिंग की मौजूदा कीमत बुक वैल्यू बनती है 1,75,000 रुपीज। रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी में बनाया जाने वाला एक ऐसा अकाउंट जिसमें कंपनी अपना प्रॉफिट या लॉस रखती है, तो रिटेन्ड अर्निंग कंपनी मिसबा लिमिटेड ने अपना 85,000 रुपीज प्रॉफिट रखा हुआ है रिटेन अर्निंग अकाउंट में। ये सारा प्रॉफिट किन का है, शेयर होल्डर्स का। रिटेन अर्निंग की नेचर लिख के भेजेंगे आप लोग मुझे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए ताकि मुझे जरा पता चले आप लोग जिंदा है मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने जवाब दिया। शेयर होल्डर इक्विटी, जिन्हें नहीं पता वो अपने पास लिख लें, रिटेन अर्निंग के नेचर शेयर होल्डर इक्विटी है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे पढ़ता हूं मजीद क्या कहता है। कामरान लिमिटेड एब्जॉर्ब मिसबा लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन खा रहा है, लिख के भेजोगे आप मुझे, मेरे सवाल तो ऐसे ही होते हैं भाई, कौन खा रहा है। समंदर में छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली खाती है, कामरान लिमिटेड आज खा रहा है, किस कंपनी को खा रहा है, किस कंपनी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस कंपनी को हजम कर रहा है अपने अंदर, किसे अपने साथ मिला रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जवाब दिया मिसबा लिमिटेड को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो कुछ मिसबा लिमिटेड में मौजूद है आज उसे टेक ओवर कर रहा है कौन, कामरान लिमिटेड। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या कामरान लिमिटेड मिसबा लिमिटेड की सारी चीजों को टेक ओवर कर रहा है, तो इसके बारे में हमें सवाल में लिखा नजर आएगा। आइए मैं आगे सवाल पढ़ता हूँ, आप मेरा साथ देते रहिएगा इसी तरह जवाब लिख लिख के। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें, लेकिन एक साथ सब अनम्यूट ना करें। आगे कहता है ऑल द एसेट्स एंड अकाउंट पेबल। मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं, आपको समझ आ रहा है तो यस और नो में बताइएगा। ऑल द एसेट एंड अकाउंट पेबल टू बी टेकन ओवर बाय कामरान लिमिटेड एट बुक वैल्यूज। दोबारा कहूंगा ये जुमला, तमाम एसेट्स और जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारियां नहीं, इत्तेफाक की बात है, आज जिम्मेदारी एक ही है, नाम है अकाउंट पेबल। तमाम एसेट और अकाउंट पेबल को ले लिया, कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, किसने, कामरान लिमिटेड ने, कौन सी वैल्यू पर, एट बुक वैल्यू, मौजूदा कीमत पर, यानी जो अभी नजर आ रही है क्वेश्चन में। कौन ले रहा है तमाम एसेट और लाइबिलिटीज को, कामरान लिमिटेड। किसके एसेट ले रहा है, किसकी लायबिलिटी को कबूल कर रहा है, जवाब तो लिख दिया करो इतनी देर में। अच्छा, तो वो मिसबा लिमिटेड की सारी चीजों को कबूल कर रहा है, ले रहा है। अच्छा, तो क्या वो मिसबा लिमिटेड की सारी चीजों को लेने के बाद मिसबा लिमिटेड के मालिकान को ये बोलेगा कि हमने तुम्हारी कंपनी पर कब्जा कर लिया, हिम्मत है तो छीन के दिखाओ वापस, लेके दिखाओ। नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो मिसबा लिमिटेड के मालिकान को बदले में कुछ देगा। अरे पहले सवाल तो सुन लो, बहुत अच्छा लगा तुमने जवाब दिया। कामरान लिमिटेड सब साथ दे रहे हैं मेरा, सब मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। कामरान लिमिटेड जब कब्जा कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, ले रहा है क्या, एसेट्स और अकाउंट पेबल को मिसबा लिमिटेड के, तो जो लोग मिसबा लिमिटेड के मालिक थे वो कहेंगे हमारा तो कुछ भी नहीं रहा, हमारे सारे एसेट कामरान के पास चले गए, हमारी जिम्मेदारी कामरान ने ले ली, तो अब हम किस बात के मालिक हैं। तो वो कामरान लिमिटेड इन्हें बदले में कुछ देगा। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो क्या देगा,
मेरा सवाल तो ये है जो ये बदला देते हैं, ये जो बदला देते हैं कौन देता है? बड़ी कंपनी देती है ना बदला। जैसे तुम दुकान पे जाते हो मुश्तबा, फ्रूट खरीदते हो, तो तुम सामान लेकर बदले में कुछ देते हो ना मेरे दोस्त, सही है? तो आज यहां पर एक कंपनी कामरान लिमिटेड टेक ओवर कर रही है एसेट और लायबिलिटीज को, तो वो बदले में कुछ देगी। उस बदले का अंग्रेजी में नाम क्या है? उस बदले का अंग्रेजी में नाम क्या है? वेरी गुड, खुश रहो अरहम, कोमल इकबाल, मोमिना, वरदा, जजाकल्ला बेटा, शुक्रिया। बाकी लोग स्पेलिंग लिख रहे होंगे, तवील अंग्रेजी है। उसका नाम है हसन इडियट, उसका नाम हसन इडियट नहीं, उसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। क्या नाम है उसका? परचेज कंसिडरेशन। यानी परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? खरीदने का बदला। तो खरीदने का बदला कौन देता है हमेशा? खरीदने का बदला कौन देता है प्यारे बच्चों? जवाब हो जाए जल्दी से, शाबाश। खरीदने का बदला हमेशा कौन देता है? वेरी गुड कोमल, वेरी गुड अलैना, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। खरीदने का बदला हमेशा देता है बड़ी कंपनी। और समी भाई ने बोला जो परचेस करता है, बिल्कुल सही। तो परचेस यहाँ एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में जो परचेस करता है ना समी भाई, हम उसे कहते हैं बड़ी कंपनी, सही है? हम उसे कहते हैं मुश्तबा भाई के लिए मैं स्पेशली ऊपर जा रहा हूँ स्क्रीन, अगर मुश्तबा को नजर आ रही हो, और समी के लिए, दोनों के लिए मैं स्पेशली ऊपर आया। जो बड़ी कंपनी होती है उसे कहते हैं एब्जॉर्बिंग या परचेजिंग, सही है भाई? और भी कोई नया है तो वो भी सुन ले मेरे बच्चों, अगर कोई और भी नया है कोई बुरा ना मान जाए। कोई बोले सर मुश्तबा को, सर मुश्तबा को और समी को अहमियत दे रहे हैं आज क्लास में, नए बच्चे ना घेर रहे हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है यार, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना यार, तकल्लुफ की बात नहीं है। इनको मैं बता रहा हूं ताकि मेरे साथ शामिल हो जाए लेक्चर में। बड़ी कंपनी को कहते हैं एब्जॉर्बिंग परचेजिंग, और तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो समी, जो खरीदती है ना उसे कहते हैं परचेजिंग एब्जॉर्बिंग। अच्छा, जिसे खरीदा जा रहा हो उसे कहते हैं एब्जॉर्ब्ड कंपनी, एब्जॉर्ब्ड कंपनी, जिसे खरीदा जा रहा हो। और हम इसे आसान उर्दू में कहते हैं छोटी कंपनी, सही है? वापस आ जाता हूँ सवाल पर, वक्त का जिया किए बगैर जल्दी से आप सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, वक्त कम है। लेकिन पॉइंट नंबर टू देख लो क्या लिखा है, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इक्वल टू नेट एसेट ऑफ मिसबा लिमिटेड। बताओ परचेज कंसिडरेशन, खरीदने का बदला कौन देगा? बड़ी कंपनी देगी, यानी कामरान लिमिटेड देगा। किसे देगा? मिसबा लिमिटेड के मालिकान को देगा। तो क्या देगा? अभी ये नहीं बताया क्या देगा, बस ये बोला कि जो कुछ भी देगा परचेस कंसिडरेशन, आज खरीदने के बदले में जो कुछ दिया जाएगा इज टू बी पेड इक्वल, वो बराबर होगा। अभी पढ़ रहा हूं तुम्हारा सवाल, एक मिनट रुकना बस। परचेस कंसिडरेशन इज टू बी पेड इक्वल, खरीदने का बदला बराबरी की बुनियाद पे दिया जाएगा। किस चीज के बराबर दोगे खरीदने का बदला? इक्वल टू नेट एसेट ऑफ मिसबा लिमिटेड, यानी मिसबा लिमिटेड के जो नेट एसेट बनते हैं ना उसके बराबर उन्हें बदला मिलेगा। बदला कितनी शक्लों में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे पहले जवाब दे दिया था, बदला दो शक्लों में दिया जा सकता है। बड़ी कंपनी सिर्फ शेयर दे दे किन्हें? मिसबा लिमिटेड के मालिकान को, बोले ये लो शेयर, और आज से तुम मिसबा लिमिटेड के मालिक नहीं, बल्कि तुम्हारी चीजें हमने ली थी ना, हम बोले तो कामरान लिमिटेड, आज से तुम कामरान लिमिटेड के मालिक हो, ये लो कामरान लिमिटेड का शेयर सर्टिफिकेट। अब तुम किसके? मिसबा लिमिटेड के नहीं, कामरान लिमिटेड के मालिक को। सिर्फ शेयर भी दे सकती है, और शेयर के साथ कैश और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ी कंपनी सिर्फ कैश दे। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी कंपनी अगर छोटी कंपनी के मालिकान को कैश दे देगी तो छोटी कंपनी के मालिकान तो अपने घर चले जाएंगे, उन्हें उनके घर नहीं भेजना, उन्हें कहना है कि तुम छोटी के बजाय आप बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हो। अब मैं मुश्तबा भाई का सवाल पढ़ लेता हूँ। सर पोजीशन लेने वाली कंपनी एब्जॉर्बर होती है ना? भाई अंग्रेजी तो अंग्रेजी है ना, मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला? आप उसे अंग्रेजी में कुछ भी बोल लें, ठीक है, सही है। लेकिन बस जो मेरे पास जो नाम लिखे हो, जो नाम मैं यूज करूंगा, ठीक है, मैं वो कहूंगा, बड़ी कंपनी को कहेंगे, सही है, जो परचेजिंग, आसान अंग्रेजी बोल लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, सही। और जो कंपनी अपने वजूद को खत्म करेगी, जो अपने वजूद को खत्म कर देगी उसे कहेंगे एब्जॉर्ब्ड, ईडी लगा देंगे उसे, परचेज्ड भी कहा जा सकता है। परचेजिंग खरीदने वाली कंपनी, मुश्तबा आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, क्या? खरीदने वाली कंपनी परचेजिंग, बड़ी कंपनी परचेजिंग आईएनजी लगा दिया, एब्जॉर्बिंग, और जिसे खरीदा जा रहा है उसका वजूद खत्म हो रहा है ना, तो वो है एब्जॉर्ब्ड, ईडी लगा दिया, ईडी लगा दिया, एब्जॉर्ब, जिसका वजूद जो एब्जॉर्ब हो गई, जम हो गई, ठीक है, परचेज्ड
जो खरीदी जा चुकी है अब कोई और नहीं खरीदेगा, खरीदी जा चुकी। ओके थैंक यू। तो कहता है परचेज कंसिडरेशन होगी मिसबा लिमिटेड के नेट एसेट के बराबर। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे समी और मुश्तबा और मुख्तलिफ लोग सर ये नेट एसेट क्या होता है, तो नेट एसेट मैंने निकालना सिखाया था, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताए नेट एसेट कैसे निकाला जाता है, जल्दी से अनम्यूट करके बताए कोई बच्चा। काशान, काशान अनम्यूट करो फटाफट। काशान टोटल टोटल डेबिट साइड में टोटल, जैसे कि टोटल वो एसेट्स से माइनस करेंगे हम लायबिलिटी, तो फिर जो हमारे पास एंड में बचेगा उसको हम नेट एसेट कहते हैं। वेरी गुड। अभी काशान साथ रहना, जाना नहीं अभी, छोड़ गया ऐसे बीच में छोड़ के चले जाओ। अच्छा यस सर। टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करते हैं तो नेट एसेट आता है। मुश्तबा और समी ने ये बात सुन ली। अब पता है क्या होगा, मुश्तबा और समी ये समझेंगे कि हमेशा टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करते हैं तो नेट एसेट आता है। तो क्या ये बात सही है काशान, हमेशा टोटल एसेट में से टोटल? सर ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं तुम्हारी बात मुकम्मल कर देता हूँ, तुमने शुक्रिया, तुमने मुझे एनर्जी दे दी ये बोल के कि ये बात सही नहीं है। इसका मतलब है अगर किसी सवाल में लायबिलिटी हो तीन, मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा लोगों को, लायबिलिटी हो दो, अकाउंट पेबल भी हो और लॉन्ग टर्म लोन भी हो, और वो कहे कि बस हम अकाउंट पेबल को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर टोटल एसेट में से जिस लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है उसी को माइनस करेंगे। किसी क्वेश्चन में एसेट हो पांच, यहाँ लैंड बिल्डिंग अकाउंट बिल मर्चेंडाइज है, कैश नजर नहीं आ रहा, तो अगर वो बोले कि भाई कैश को टेक ओवर नहीं करेगी, अगर वो इसे टेक ओवर नहीं करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जिन्हें वो टेक ओवर करेगी सिर्फ वही एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे। शमी मेरा पॉइंट समझ आया, अनम्यूट करके जवाब दो। यानी सारे एसेट में लिखने हैं बेवकूफों की तरह, जिन एसेट को टेक ओवर कर रही है बड़ी कंपनी कामरान लिमिटेड उन्हें लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे, जिन लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रही है तो हमें पता चल जाएगा नेट एसेट। शमी तुम हमारे साथ हो? सर आ गया समझ में, आ गया आ गया। वेरी गुड एक्सीलेंट, खुश रहो। चलो भाई अब मसला ये तो समझ आ गया कि नेट एसेट क्या होते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज। रिक्वायर्ड थ्री पढ़ेंगे सब बच्चे, शेयर रिक्वायर्ड थ्री पढ़ेंगे सब बच्चे, बड़ा जबरदस्त रिक्वायर्ड है भाई, आपकी बहुत तवज्जा चाहता हूँ पूरी क्लास की, और दुआ करता हूँ कि आप लोगों ने सही काम किया। शेयर होल्डर्स ऑफ मिसबा लिमिटेड टू रिसीव 20,000 नंबर ऑफ शेयर। भैया पूरा बोल्ड हो गया, ये लो मैंने कम कर दिया, सब मेरे साथ हैं क्लास में, जिन्होंने काम किया हुआ मैं दुआ गुहूं उनका काम ठीक हो। शेयर होल्डर ऑफ मिसबा लिमिटेड टू रिसीव, जो मालिक हैं किसके, मिसबा लिमिटेड के, टू रिसीव, उन्हें मिलेगा, मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 20,000 शेयर। किसके शेयर मिल रहे होंगे इन्हें, जवाब लिख के दो, किसके शेयर मिल रहे होंगे मिसबा लिमिटेड के मालिकान को, वो तो ऑलरेडी मिसबा लिमिटेड के मालिकान है, उन्हें शेयर मिल रहे हैं 20,000, नाउजुबिल्ला नाजिल हो रहे हैं क्या, नहीं, उन्हें कामरान लिमिटेड के मिल रहे हैं शेयर, वेरी गुड, उन्हें अब्सॉर्बिंग कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, वेरी गुड एक्सीलेंट बेहतरीन, बस इतना काफी, आपने एनर्जी दोबारा से आ गई, एनर्जी रिस्टोर हो गई, पावर आती रहती है मेरे अंदर। तो बस 20,000 शेयर 10 रुपए वाले 2,00,000 रुपए के बने। अब मसला ये है कि अगर सिर्फ भाई सब लोग मेरे साथ हैं, गौर से सुनना जो जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर सवाल में सिर्फ यही लिखा होता ना कि शेयर होल्डर मिसबा लिमिटेड के रिसीव करेंगे 20,000 शेयर, बस ये लिखा होता तो मैं कहता है इसका मतलब है नेट एसेट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2,00,000 रुपए के नेट एसेट होंगे। मैं दोबारा कहने लगा हूं ये बात, अल्लाह करे आप मेरी बात सुने, अगर सवाल में लिखा होता ना बस शेयर होल्डर ऑफ मिसबा लिमिटेड टू रिसीव 20,000 नंबर ऑफ शेयर, तो मैं कहता 20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए के बने तो नेट एसेट भी 2,00,000 के होंगे। लेकिन उसने हमें पता है कंफ्यूज कर दिया, उसने हमें मजबूर कर दिया कि आज हम नेट एसेट निकालें, क्यों, क्योंकि और कब नहीं निकालने सर, जब यहाँ लिखा होता शेयर होल्डर मिसबा लिमिटेड रिसीव 20,000 शेयर, तो मैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके कहता 2,00,000 रुपए, मैं कहता नेट एसेट 2,00,000 के होंगे, जब भी तो 2,00,000 रुपए के शेयर मिल रहे हैं मिसबा लिमिटेड को। लेकिन उसने आगे क्या लिख दिया, एंड बैलेंस टू बी, ये ही नहीं है भैया माजरत चाहता हूँ, एंड बैलेंस टू बी पेड इन कैश, और बाकी पैसे दे दिए जाएंगे मिसबा लिमिटेड के मालिकान को कैश की शक्ल में। यानी अब जरा जुमला आखिरी बार बोलना, उसके बाद नहीं बोलूंगा अंटिल अनलेस के तुम मुझसे पूछो, जो शख्स मिसबा लिमिटेड का मालिक है उसको शेयर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आज से तुम कामरान लिमिटेड के मालिक हो, और उसे कुछ कैश दे दिया जाएगा, कितना कैश दे दिया जाएगा ये तो नहीं पता। तो इसका मतलब है हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि आज मिसबा लिमिटेड की औकात कितनी है, मिसबा लिमिटेड की औकात, औकात को कहते हैं अकाउंटिंग की जुबान में, हम तो ऐसे लेकर आते हैं ना नई नई मार्केट में, औकात को कहते हैं अकाउंटिंग की जुबान में, हम मैं कहता हूं
नेट एसेट, नेट वर्थ। तो हमें नेट वर्थ पता होनी चाहिए किसकी, मिसबाह लिमिटेड की। कैसे निकालते हैं, आइए रिक्वायर्ड वन, प्यारे बच्चों तमाम लोग अगर जिंदा हैं तो रिक्वायर्ड वन देख रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हमें परचेज कंसिडरेशन निकालने को कह रहा है, अरे वो काम कह रहा है जो वो ना भी कहे तो करना पड़ेगा। सर क्यों क्यों करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि आज हमें ये नहीं पता चले परचेज कंसिडरेशन में, उसने ये तो बता दिया शेयर दे रहा है 20,000 ₹10 वाले 2,00,000 रुपए के, लेकिन और कैश भी तो दे रहा है कितना नहीं पता। इसका मतलब है आज मुझे परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। तो परचेज कंसिडरेशन में ये तो पता है दो चीजें, एक शेयर दूसरा कैश, लेकिन ये नहीं पता कि कितने रुपए परचेज कंसिडरेशन मिलेगी। तो कोई बता सकता है परचेज कंसिडरेशन किस चीज के बराबर मिलेगी, परचेज कंसिडरेशन किस चीज के बराबर मिलेगी, कोई लिख के बताए मुझे शाबाश। परचेज कंसिडरेशन किस चीज के बराबर मिलेगी, परचेज कंसिडरेशन मिलेगी कितनी मिलेगी ये तो नहीं पता ना कितनी मिलेगी, लेकिन किस चीज के बराबर मिलेगी मुश्तबा, किस चीज के बराबर। प्लीज पॉइंट नंबर टू पढ़ो मुश्तबा, पॉइंट नंबर टू पढ़ो प्लीज, किस चीज के बराबर मिलेगी। वेरी गुड एक्सीलेंट, बाकी सब लोगों ने जवाब दे दिया, परचेज कंसिडरेशन मिलेगी इक्वल टू नेट एसेट। समी तेरा मैसेज नहीं आ रहा बेटे, क्या हो गया? अलैना शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर नहीं मिलेगी, मेरा बच्चा नेट एसेट के बराबर मिलेगी, क्या हो गया आप लोगों को? परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड, भूल गए आप दूसरा जुमला, इतनी जल्दी भूल जाते हैं। परचेज कंसिडरेशन मिलेगी बराबर किसके, नेट एसेट के, तो इसका मतलब है मुझे नेट एसेट पता होने चाहिए, तो नेट एसेट के बराबर ही होगी, कौन होगी परचेज कंसिडरेशन। तो मैं चला कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन की तरफ, 3-3.5 मिनट रह गए, देखते हैं कि हम परचेज कंसिडरेशन निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्वेश्चन टू, कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, और आगे बाय नेट एसेट मेथड आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन मैंने लिख दिया है और बाय नेट एसेट मेथड आज मैं नहीं लिख रहा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं दोबारा आईडी पासवर्ड भेज दूंगा सर को, वो आपको लिंक भेज देंगे, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना। तो मैं परचेज कंसिडरेशन निकालना शुरू कर दूंगा और आप लोग फिर ज्वाइन करते जाना और छापते जाना जिन्होंने काम नहीं किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा लैंड बिल्डिंग अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ऐसा करते हैं वक्त बचाते हैं। आ गया मेरे पास लैंड बिल्डिंग अकाउंट से मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, और मेरे बच्चों इसके फोन को थोड़ा बंद कर दूं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो देखने में, और इसकी अमाउंट ले आता हूं वहां से। अमाउंट भी ले आते हैं जनाब जनाब जनाब, ये लीजिए लैंड की अमाउंट है 75,250 30। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 20,000। कोई बच्चा बिल्डिंग की अमाउंट यहाँ 250 लिखने के बजाय क्या करे, बिल्डिंग लिख के ब्रैकेट में लिखे 250,000 माइनस 75,000, तो सर इमरान को चिरान करने का बिल्कुल शौक नहीं है। सर क्यों चिरान क्यों नहीं कर रहे आप, चिरान ना करने की वजह यह है मेरे प्यारे बच्चों के भाई, हम इसे मीटिंग किसी भी वक्त खत्म होने वाली है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है, अभी 2 मिनट है कि भाई बिल्डिंग जो है मिसबा के मुताबिक कितने की थी, कामरान को अब इससे कोई गर्ज नहीं है। ये तय हो गया कि बिल्डिंग 250,000 की थी, 75,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो बिल्डिंग की मौजूदा कीमत बनती है 1,75,000। तो कामरान तो अपनी किताबों में बिल्डिंग को 175 का ही लिखेगा, कामरान अपनी किताबों में बिल्डिंग को 175 का ही लिखेगा, लेकिन मैं यहां जानबूझकर यह अंदाज इख्तियार करता हूं ताकि मेरे बच्चों को पता हो कि जब मैं तमाम एसेट लिखता हूं तो मैं अगर एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लिख दूं तो अब मैं यहां से इसे टोटल करके, पहले मैं टोटल लिख दूं, टोटल एसेट अमाउंट, और फिर इसके नीचे मैं कहता हूं जनाब क्या करूं, अब मैं कहता हूं इसमें से लेस करेंगे, एक ही लाइबिलिटी है वरना मैं हेडिंग डाल देता लाइबिलिटी की, अकाउंट पेबल मैं डायरेक्ट अमाउंट लिखता हूं, आखिरी मिनट चल रहा है, अकाउंट पेबल की अमाउंट है 15,000। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज मेरे पास एक और अमाउंट है, और वो अमाउंट क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो अमाउंट है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की, वो लाइबिलिटी नहीं है, बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैं 15,000 यहाँ लिखूंगा, जो बच्चे ऊपर माइनस कर चुके हैं वो नीचे नहीं लिखेंगे, 15,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 75,000।
ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाली है किसी वक्त भी, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों से पहले बोल दिया, असल काम एंट्री बनाते वक्त है। आपने ऊपर डायरेक्ट 175 लिखा है या नीचे आपने 75 लिख के दिखाया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इन दोनों का सम बना और मैंने इसे कर दिया ऊपर वाली अमाउंट में से माइनस। मेरे पास यह आ गई परचेज कंसिडरेशन, बल्कि नेट एसेट लिखता हूं पहले इसका नाम नेट।